हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आशा करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक और बहुत मजे में होंगे। सो आज है हमारा डे टू। डे टू ऑफ व्हाट? जी हाँ, आज है हमारा सेकेंड डे ऑफ बायोटिन ट्रीटमेंट एट होम। और अगर आपने किसी वजह से फर्स्ट वीडियो को मिस कर दिया है तो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप एक बार उस वीडियो को ज़रूर देख लेना, ताकि आप इस चैनल के 3 डे सीरीज़ के बेस्ट रिजल्ट ले सकें। सो जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आपसे प्रॉमिस किया था कि हम आपके हेल्थ पर दो तरफा काम करेंगे, इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों ही। सो आज है हमारा सेकेंड डे और आज मैं आपसे दोनों ही चीज़ों पर डिस्कस करूंगी, दैट इज टॉपिकल एप्लीकेशन एंड इनटेक कंजम्पशन। सो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स जंप इनटू द वीडियो। सो फॉर टॉपिकल एप्लीकेशन हम प्रिपेयर करेंगे बायोटिन हेयर ऑयल। अब हेयर ऑयलिंग कितनी इंपॉर्टेंट और मस्ट है ये आप सबको पता ही है। हमारे हेयर बेसिकली प्लांट्स की तरह होते हैं। जितना अच्छा न्यूट्रिशन इनकी रूट्स को प्रोवाइड किया जाएगा उतने ही अच्छे और हेल्दी ये ग्रो करेंगे, और ऑयलिंग से बेटर न्यूट्रिशन तो कहीं हो ही नहीं सकता। सो बायोटिन ऑयल प्रिपेयर करने के लिए हम सबसे पहले एक बोल में ऐड करेंगे 1/2 टेबलस्पून ऑफ कलौंजी सीड्स, 1/2 टेबलस्पून ऑफ मेथी सीड्स एंड 1/2 टेबलस्पून ऑफ सेसमे सीड्स यानी कि तिल। सो ये तीनों ही चीजें सीड्स के फॉर्म में है, इसलिए मैंने इन्हें यहाँ पर अच्छे से ग्राइंड कर लिया है और इनका एक बहुत ही फाइन पाउडर बना लिया है। ये सभी सीड्स काफी रिच सोर्सेस होते हैं बायोटिन के, जो कि आपके बालों के लिए काफी ज्यादा पोटेंट है। दैट इज, अगर इन सीड्स को हेयर केयर में रेगुलरली यूज किया जाए तो आप इससे काफी अच्छे रिजल्ट्स देख सकते हैं। नेक्स्ट हम इस बोल में ऐड करेंगे 1/2 टेबलस्पून ऑफ भृंगराज पाउडर। भृंगराज पाउडर बहुत ही इजीली अवेलेबल होता है, आप इसे आराम से अपने किसी आसपास के स्टोर या फिर ऑनलाइन ऑर्डर के थ्रू मंगवा सकते हैं। नेक्स्ट हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 टेबलस्पून ऑफ आंवला पाउडर। अब इन सभी चीज़ों को एक अच्छा सा मिक्स देंगे और ऐड करेंगे पम्पकिन ऑयल, जो कि एक बहुत ही रिच सोर्स है बायोटिन का। इन केस अगर आपके पास पम्पकिन ऑयल नहीं है या फिर आप कहीं से भी अरेंज नहीं कर पा रहे हैं तो आप कोई भी फ्रूट ऑयल यूज कर सकते हैं, जैसे कि कोकोनट ऑयल, ऑलिव ऑयल एक्सेट्रा, जो कि बहुत ही लाइट वेट होते हैं और जिनका इन्फ्यूजन का प्रोसेस काफ़ी फास्ट होता है। ऑयलिंग हमारे हेयर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सभी को पता है कि ऑयल्स हमारे नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, जो कि हमारे घर में अचार वगैरह स्टोर करने के काम आते हैं। सिमिलरली रेगुलर ऑयलिंग हमारे स्किन और बालों के लिए काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होती है, बिकॉज ये हमारी स्किन और हेयर्स को प्रिजर्व करती है उन सभी प्रॉब्लम से जो उन्हें एक्सट्रीम डैमेज पहुँचा सकती है। अब इन सभी पाउडर्स और ऑयल को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 2 डेज के लिए इस ऑयल के कंटेनर को धूप में रख देंगे, ताकि ये जो सभी चीज़ें हमने इसमें ऐड करी हैं उनका काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इन्फ्यूजन हो सके। 2 दिन बाद आप इस ऑयल को अपने बालों के रूट्स में अच्छे से मसाज कर सकते हैं। ऑयल लगाने के लिए आपने करना क्या है, सबसे पहले आपने थोड़ा सा ऑयल अपने पाम पे लेना है और पाम को अच्छे से रब करके इस ऑयल को अपने हाथ पर वॉर्म कर लेना है और इसे हल्के हाथों से अपने रूट्स पर मसाज करना है। ऑयलिंग करने के बाद आप इस ऑयल को लगभग 2 से 3 घंटे तक अपने बालों में लगा रहने देंगे। उसके बाद आप अपने किसी भी फेवरेट शैम्पू से हेड वॉश कर सकते हैं। सो अब हम चलते हैं अपने सेकेंड पार्ट की तरफ, दैट इज इंटरनल कंजम्पशन। सो आई होप आप सब लोगों ने इवनिंग स्नैक वाला बायोटिन शेक ट्राई कर लिया होगा। नेक्स्ट आप इस इवनिंग स्नैक को स्विच कर सकते हैं विद हैंडफुल ऑफ आलमंड, सनफ्लावर सीड एंड पम्पकिन सीड। ये सभी सीड्स और नट्स बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और इफेक्टिव होते हैं। इनको कंज्यूम करने से हमारी बॉडी इंटरनली हैप्पी रहती है और इनके रेगुलर इंटेक से आपको डेफिनेट हेयर ग्रोथ रिजल्ट्स मिलते हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट आवर डे टू ऑफ बायोटिन ट्रीटमेंट एट होम। सो आई होप आपको सभी चीज़ें क्लैरिफाई हो चुकी होंगी। फिर भी अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप मुझसे नीचे कॉमेंट में पूछ सकते हैं, आई विल डेफिनेटली आंसर देम। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आपको पता ही आपको क्या करना है। सो मैं मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।